नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही। मोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल प्रभारी स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही साफ साफ देखी जा रही है। मामला कुछ इस तरह है। मोहना हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के दौरान जब हमारी इंडिया न्यूज 28 की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही देखी और अपने कैमरे में कैद किया। लोगों को पूरी लापरवाही के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ना तो उनका बीपी चेक हो रहा है। ऐसे समय अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? साथ ही ना स्वास्थ्य कर्मियों अपने हाथों में हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, ना ही मास्क लगाए। जब हॉस्पिटल प्रभारी से बात करना चाहा तो प्रभारी मीडिया से कन्नी काटते हुए दिखे। बात यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल में कई लोगों को कोरोना वैक्सीन वीआईपी पास के साथ भी लग रही है। हॉस्पिटल में सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग रही है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्वालियर से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की लापरवाही देखी जा रही है। कई लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन उनका बीपी चेक नहीं हुआ। अगर इन लोगों को कुछ होता है तो कौन इनका जिम्मेदार होगा? ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, ना ग्लव्स पहने हुए हैं जो वैक्सीन कर्मचारी जो हैं ग्लव्स पहने। कई कर्मचारी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। प्रभारी से हमने जानने की कोशिश की तो प्रभारी बगैर जवाब दिए हुए यहाँ से चले गए। अब आखिर ये हॉस्पिटल किसके भरोसे चल रहा है ये भी पता नहीं है। और आप देख सकते किस तरह से भीड़ लगी हुई है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन कोई व्यवस्था अभी नहीं हुई सुचारू रूप से चल रही। मोना से सुनील मलावरिया, इंडियन न्यूज़, धन्यवाद। मशीन तो दिखी नहीं रही, कैसे चेक किया होगी? बीपी कैसे चेक किया है? नहीं, यहाँ पे हुआ है क्या? या बगैर बीपी चेक किए हुए आपका वैक्सीन हुई है? यहाँ पर आपको बीपी चेक नहीं हुआ ना, वैक्सीन लगा दी गई है इन लोगों ने। मैडम ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो बोलो, ये बोल रहे हैं बीपी चेक नहीं हो रहा मैडम, बिना बीपी जो लाइट भी नहीं है। आज कोई कौन सी शब्द बना जाता है कि 10 डोज मेरे लिए रख लेना, 5 मेरे लिए रख लेना। परसों के डॉक्टर साहब ने हम लोगों से मना कर दिया कि वैक्सीनेशन खत्म हो गई, लेकिन हमारे जाने के बाद यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। और कुछ महिलाएं थी, उन लोगों को भी भगा दिया गया था। अभी आकर आपने हॉस्पिटल में क्या देखा? हॉस्पिटल में देखा कि अब वैक्सीनेशन का टाइमिंग क्या है। यहाँ से जो कर्मचारी हैं वो लोग 10 बजे से पहले लॉक नहीं खुला। यहाँ जब तक जनता कम से कम 200 की समथिंग हो चुकी थी। अब लाइट नहीं है, लाइट के कारण वो वैक्सीनेशन मुझे कह रहे हैं कि बोला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि वीआईपी पास के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या ये बात सही है? ये बात सही है, बिल्कुल सही है।